नेपोटिज्म नहीं कड़ी मेहनत की वजह से जाह्नवी और ईशान यहां पहुंचे हैं करण जौहर। बॉलीवुड के निर्माता निर्देशक करण जौहर ने अपने प्रोडक्शन की मोस्ट अवेटेड फिल्म धड़क के ट्रेलर लॉन्च के दौरान कहा कि श्रीदेवी की बेटी जाह्नवी कपूर और शाहिद कपूर के भाई ईशान आज यहां स्टेज पर नेपोटिज्म के सहारे नहीं बल्कि अपनी कड़ी मेहनत के बल पर यहां तक पहुंचे हैं। ट्रेलर लॉन्च के दौरान करण से सवाल किया गया कि आप बॉलीवुड के स्टार के बच्चों को लॉन्च करने वाले सबसे बड़े ब्रांड बन गए हैं, जब इन बच्चों को लॉन्च करते हैं तो किन किन बातों का ख्याल रखते हैं और किस तरह की जिम्मेदारी महसूस करते हैं। जवाब में करण ने कहा, जब मैं किसी भी स्टार के बेटे या बेटी को लॉन्च करने की तैयारी या लॉन्च करता हूं तो सबसे ज्यादा ख्याल इस बात का रखता हूं कि वह अपने नाम के आगे जा सके और खुद अपनी पहचान बना सके। करण आगे कहते हैं, सभी बच्चे अपने नाम के आगे जा सकें और खुद अपनी पहचान बना सकें, यही हमारी जिम्मेदारी होती है और यही रिस्पॉन्सिबिलिटी इन बच्चों की भी होती है, क्योंकि आजकल नाम के बारे में इतना कुछ चर्चा हो रहा है, सब नाम के पीछे पड़े हैं, यह भूल जाते हैं कि नाम के पीछे भी मेहनत है, लगन है, जोश है और जुनून है। इन सब बातों को ध्यान में रखकर सबको तय करना पड़ता है, आसान नहीं होता कैमरे मीडिया सवालों और दर्शकों को इतनी आसानी से फेस करना, यह बहुत मुश्किल काम होता है। करण अपनी बात बढ़ाते हुए आगे कहते हैं, यह बच्चे हैं, हम हमेशा इन बच्चों को लेकर एक कोई शब्द नेपोटिज्म इस्तेमाल करने लगते हैं। 2 साल तक चला यह शब्द, इस शब्द का मैं नाम भी नहीं लूंगा वरना मैं फिर उसी शब्द को बढ़ावा दूंगा। बस यही कहना चाहूंगा कि लोग यहाँ नेपोटिज्म की वजह से नहीं अपनी मेहनत की वजह से यहाँ पहुँचे हैं। फिल्म के ट्रेलर में जाह्नवी और ईशान की केमिस्ट्री बहुत कमाल की लग रही है। धड़क सुपरहिट मराठी फिल्म से आर्ट का अडॉप्टेशन है। फिल्म में ईशान और जाह्नवी के अलावा आशुतोष राणा की महत्वपूर्ण भूमिका है। राजस्थान के मेवाड़ की पृष्ठभूमि में रची गई इस प्रेम कहानी में राजस्थान की मेवाड़ी भाषा का प्रयोग बहुत ही खूबसूरती से किया गया है। ट्रेलर देखकर लगता है कि यह कोई अलग कहानी है जिसे पहली बार देख रहे हैं। यह फिल्म 20 जुलाई को देश भर के सिनेमा घरों में रिलीज होगी।